अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में एक नाले की 100 मीटर की सफाई करने में नगर निगम को 19 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। जो बच्चा कल सुबह 11 बजे नाले में गिर गया था, आज उसका शव करीब 6 बजे बरामद हो गया। बच्चे की जान की कीमत उसका परिवार ही समझ सकता है, लेकिन इस हादसे ने नगर निगम मेरठ के अफसरों की कार्यप्रणाली को भी खोलकर सामने ला खड़ा किया है। बरसात से पहले जिन नालों की सफाई हो जानी थी, वे कूड़े करकट से लबरेज हैं। नाले कूड़े करकट से कितना अटे हुए हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इतने भर से लगाया जा सकता है कि 100 मीटर की सफाई में नगर निगम को 19 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। बच्चे की तो जान गई ही। हल्की बरसात भी हो रही थी, लिहाजा तमाम आला अफसर भी घर से ही रिपोर्टिंग ले रहे थे। मौके पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट ही मौजूद थे। एक बच्चे की मौत के बाद किसी तरह जागे नगर निगम के अफसरों ने आज सुबह शास्त्री नगर जैसे पास इलाके में नाले नालियों की सफाई कराने की जहमत की। ऐसा नहीं है कि नगर निगम के पास संसाधन नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि अफसरों में इच्छा शक्ति का अभाव है। मुख्यमंत्री आते हैं, बिजौली जाते हैं, तो हापुड़ रोड पर चादरें लगाकर गंदगी को ढकते हुए नगर निगम के जिम्मेदार अफसर अपनी विफलता छिपा लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी के जाते ही इन चादरों को हटा लिया जाता है। समझा जा सकता है कि कैसे जिम्मेदार नौकरशाह शासन की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आज फर्स्ट बाइट ने नगर मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार सिंह से नाले में बच्चा गिरने की घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यह बताया। मैं कल 11 बजे के आसपास आपके लिसारीगढ़ थाना क्षेत्र में पिलोकरी मार्ग से जो नाला स्थित है वहाँ पर पीर वाले का पुल है। पीर वाले पुल के पास एक लोहे का वो पुल बना होता, उस पर 4-5 बच्चे क्रॉस कर रहे थे, तो उसी क्रॉस करते समय एक बच्चा जो है अर्श करते हैं, वो उसमें 11 साल का बच्चा, वो वहीं पर नीचे गिर गया। उसको वहीं पर एक आदमी बगल में खड़े थे मोहम्मद अलीम करके, वो वक्त कूदे पर उसको निकाल नहीं पाए। ये ऑपरेशन जैसे इस खबर की सूचना प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम वहाँ पहुँचे, लगातार जैसे भी पोकलेन वगैरह लगा के उसको पूरा तत्व खोजा गया और वो बच्चा नहीं मिल पाया। पर सवेरे आज सवेरे 6:15 बजे के आसपास जो घटना स्थल है उससे 100 मीटर के आसपास बच्चे का शव बरामद हो गया है। उसमें ये देखिए, ये देवी आपदा की श्रेणी में नहीं आता है और उसमें जो भी अनुमान चाहता है उसको दी जाएगी, पर देवी आपदा की श्रेणी में नहीं आने के कारण हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। विभाग के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा भर है, लेकिन परिवार के लिए सब कुछ। लिहाजा अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।